Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. आज हमारा प्रदेश राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष खुशीराम जी मीणा के आह्वान पर पूरे राजस्थान में राजस्थान की प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और CSC PSC में ये गांधीवाद तरीके से आंदोलन चल रहा है काली पट्टी बांध कर. इसमें हमारी चार मांगें प्रमुख रखी गई जो लंबे समय से लंबी चल रही है. पहली मांग केंद्र के अनुरूप हमारे को पदनाम दिया जाए. सेकेंड मांग जो अभी 28 अप्रैल को जो भर्ती आई थी सीधी भर्ती उसमें 29 अप्रैल उनकी जॉइनिंग डेट ऑफ रखी जाए. NHM और जो GNM और NHM लगे उनकी सैलरी बढ़ाई जाए और समय समय पर पदोन्नति होनी चाहिए. 13 और 14 तारीख को श्रीमान रघु शर्मा जी चिकित्सा मंत्री ने ट्वीट किया था कि केंद्र के अनुरूप इनका पदनाम किया जाएगा और इनका इस पर सरकार चर्चा चल रही है पर उसके अनुरूप हमारी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. हम इस तरीके भी COVID-19 को देखते हुए भी हम गांधीवाद तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे. आत्माराम मीणा, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन. प्रदेश आह्वान पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष श्री खुशीराम जी मीणा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में काली पट्टी का आज दूसरे चरण का पाँचवा दिन है. सरकार से हमारी मांग है कि जो नर्सेज का नाम है उसको पदनाम चेंज किया जाए, नर्सिंग ऑफिसर किया जाए तथा सीनियर नर्सेज है फर्स्ट ग्रेड उनको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर. साथ ही जो अभी 28 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था जिसमें संविदा नर्सेज को नियमित नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए थे लेकिन उसमें संशय है आज भी उनको नियमित नहीं माना जा सकता. तो हम चाहते हैं कि 29 अप्रैल से उनकी ज्वाइनिंग डेट मानकर और प्रोबेशन काल चालू किया जाए तथा नर्सेज के जो पदनाम है वो चेंज किया जाए ताकि हमको ये गर्व महसूस हो कि हम नर्सिंग ऑफिसर कहलाए. जैसे रेडियोग्राफर है उनको हमारे से कम ग्रेड पे के आदमी उनको नर्सिंग उसका ऑफिसर बना दिया, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बना दिया लेकिन हमारा जो विभाग है नर्सिंग डिपार्टमेंट उसमें अभी तक पदनाम चेंज नहीं किया जबकि हम वर्षों से इस पद की पदनाम चेंज के लिए मांग कर रहे हैं. पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण गांधीवाद तरीके से हम विरोध दर्ज करा रहे हैं. सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं. साथ ही 1-2 घंटे हम एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं COVID-19 को देखते हुए. फिर भी हमारी सरकार हमारी मांग नहीं सुन रही है. अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो हम गांधीवादी तरीके से आकर उग्र आंदोलन पर भी आ सकते हैं. गंगा सरन जाटव, जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, जिला शाखा अजमेर.